रिद्धिमा अपने कमरे में ही रोती रही। जब निशांत के स्कूल खत्म होने का टाइम हुआ तो रिशद ही उसे पिक करने चला गया। दूसरी तरफ मिहिर भी मुंबई पहुंच चुका था। मिहिर ने सुहास के घर आकर सुधा और सुहास को सब बताया कि इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्या क्या बातें हो रही थी। सुधा और सुहास को इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ज्यादा शौक नहीं था, तो अब तक वो दोनों इन सब बातों से अनजान थे। पर जब मिहिर ने उन्हें सब बताया तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। सुहास को सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वहीं टेंशन से सुधा की तबीयत बिगड़ गई और उसका बीपी बढ़ गया और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उधर रिद्धिमा को याद आया कि उसे तो निशांत को स्कूल लेने जाना था। रिद्धिमा ने खुद को संभाला और अपने आंसू रोकते हुए वो कमरे से बाहर निकली। जैसे ही रिद्धिमा लिविंग रूम से गुजरी, दिव्यानी रिद्धिमा को रोकते हुए सवाल करते हुए बोली, ये सब जो है क्या ये सच है रिद्धिमा? मुझे तो लगा था कोई गलत फहमी होगी, लेकिन फिर धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। सूरज भी अपनी माँ के सुर में सुर मिलाते हुए बोला, उस दिन मैंने थोड़ा सा क्या बोल दिया था तो रिशद भाई ने मुझे क्या कुछ नहीं बोल दिया था। तमीज से बात करो, भाभी है और भी बहुत कुछ। और अब देखो, हमेशा रिद्धिमा के साथ खड़ा रहने वाला अरुण भी आज इरिटेट हो गया था और नाराजगी भरी आवाज में अरुण बोला, इससे तुम्हारे साथ साथ अरोड़ा खानदान की भी बदनामी हो रही है रिद्धिमा। तभी रिशद निशांत के साथ वहां आया और उसने अरुण, देवयानी और सूरज को गुस्से से घूरते हुए कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरुण ने कुछ बोलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन रिशद। तभी रिद्धिमा का फोन बजने लगा। उसने देखा मिहिर का कॉल था, तो रिद्धिमा ने फौरन फोन उठाया। मिहिर ने एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा, रिद्धिमा तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है मीडिया में? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मैं मुंबई आ गया हूँ, यहाँ माँ को पता चला तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। रिद्धिमा ने परेशान होकर कहा, तुमने सुधा माँ को पता ही क्यों चलने दिया? हे भगवान, कैसी है वो? मैं वहाँ अभी आ रही हूँ। रिद्धिमा ने फौरन कॉल कट किया और बाकी सबको इग्नोर करते हुए निशांत का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। तभी रिशद ने पीछे से रिद्धिमा को टोकते हुए पूछा, रिद्धिमा तुम कहाँ जा रही हो? रिद्धिमा ने जल्दी जल्दी में जवाब देते हुए कहा, सुधमा की तबीयत खराब हो गई है तो मुझे जाना होगा। जिस पर रिशद ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं भी आ रहा हूँ। रिद्धिमा तो हैरान थी ये देखकर कि रिशद भी उसके साथ आ रहा था, लेकिन उस वक्त रिद्धिमा को सुधा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और ऊपर से रिद्धिमा ये भी सोच रही थी कि उसके पापा को भी सब पता चल गया होगा और वो भी परेशान हो रहे होंगे। इसी टेंशन में रिद्धिमा ने रिशद से कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में वो लोग रिद्धिमा के पापा के घर पहुंच गए। रिद्धिमा के पापा ने उसे देखते ही गले लगाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है बेटा, कैसी घटिया बातें बोल रहे हैं लोग। अपने पापा को देख रिद्धिमा भी रोते हुए बोली, आप जानते हैं ना पापा, ये सब झूठ है, पर आपको अपनी बेटी पर यकीन है ना? सुहास ने रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी पर, लेकिन बाप हूँ, अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे सुनूं? तभी सुधा ने हाइपर होते हुए कहा, घटिया तो वो लोग हैं जो मेरी बच्ची पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। सुधा सोफे पर बैठी हुई थी और अपना आपा खो चुकी थी। मिहिर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया था और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, माँ प्लीज शांत हो जाओ, देखो बीपी कितना बढ़ गया है आपका, शांत हो जाओ वरना आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। जिस पर सुधा गुस्से से बरसते हुए बोली, क्या करूं फिर, देखती रहूं मैं ये सब? अरे मैं जानती हूं तुम दोनों का रिश्ता कितना पवित्र है और ये घटिया लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। रिद्धिमा अपने पापा से दूर होकर सुधा की तरफ जाते हुए बोली, सुधमा शांत हो जाइए प्लीज, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप ही तो मेरा इतना बड़ा सहारा हो और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लो। पर सुधा और ज्यादा हाइपर होते हुए बोली, तुम फिक्र मत कर बेटा, मैं सबको सच बताऊंगी, कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, कोई नहीं, मैं सबको बताऊंगी कि किस हालत में तुम हमें मिली थी और किस हालत में मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई थी,
और मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। निशांत को पोते जैसा प्यार किया है मैंने। मैं सबको बताऊंगी कि तुम और मिहिर दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, और तुम दोनों का रिश्ता और दिल एकदम पवित्र और साफ है। रिद्धिमा सुधा को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ हाँ सब ठीक होगा सुधामा, आप बस शांत हो जाओ। तभी सुधा की नजर रिशित पर पड़ी। रिशित को देख सुधा और ज्यादा भड़कते हुए रिशित पर चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो रिशित अरोड़ा? तुम भी मेरी बच्ची पर कीचड़ उछालने आए हो तो निकल जाओ यहाँ से। अब तक सभी इतने परेशान थे कि किसी का ध्यान ही नहीं था कि रिद्धिमा के पीछे निशांत और रिशित भी घर में आ चुके थे। घर का माहौल देख निशांत सहमा हुआ सा रिशित का हाथ पकड़े खड़ा था। रिशित हैरानी से सारी बातें सुन रहा था। रिशित के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी, कई सारे सवाल उसके दिमाग में उठ रहे थे। तभी मिहिर भी रिशित पर बरसते हुए बोला, तुम्हारी ही वजह से सब हुआ है, और तुम भी उस दिन ऐसे ही कुछ बोल रहे थे ना, और ये सब इल्जाम रिद्धिमा पर लग रहे हैं, और न्यूज ज्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि इसमें तुम्हारा नाम शामिल है। पर तुम जैसे घटिया लोग एक लड़का और लड़की के बीच बस एक ही रिश्ता समझते हैं। एक पवित्र दोस्ती दोनों के बीच हो सकती है, ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं। एक लड़का और एक लड़की दोस्त है मतलब दोनों के बीच कुछ है, बस ये फैसला करके सभी निकल लेते हैं। रिद्धिमा ने मिहिर को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मिहिर प्लीज रिलैक्स, तुम्हारे और मेरे रिश्ते की सच्चाई हम दोनों को पता है, तो सारी दुनिया को हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिस पर मिहिर परेशानी से बोला, लोग मेरे बारे में कुछ बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है रिद्धिमा, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई ऐसे बोले मुझे ये मंजूर नहीं होगा। तुम बिल्कुल पाक साफ हो रिद्धिमा। रिद्धिमा ने सुधा की तबीयत की दुहाई देते हुए मिहिर से कहा, प्लीज मिहिर शांत हो जाओ, सुधा माँ की तबीयत बिगड़ जाएगी। ये सुनकर मिहिर ने किसी तरह अपना गुस्सा काबू किया। अब रिशित को भी सच का पता चल गया था। रिशित को एहसास हो गया था कि रिद्धिमा और मिहिर को लेकर उसकी सोच कितनी गलत थी। रिशित ने दिल ही दिल में खुद से कहा, मतलब सुधा जी और मिहिर ने रिद्धिमा को 4 साल पहले उस एक्सीडेंट से बचाया था, और मिहिर और रिद्धिमा सिर्फ दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं है जो मैंने सोचा था। इसका मतलब रिद्धिमा उस दिन सच कह रही थी, और रिद्धिमा ने सच कहा था कि मिहिर उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ना जाने क्यों ये सोचकर रिशित को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक से रिशित को गुस्सा आने लगा, ये सोचकर कि आखिर किसने रिद्धिमा और मिहिर का नाम ऐसे बदनाम करने की साजिश की होगी। खुद का गुस्सा काबू में करते हुए रिशित धीरे से सुधा के पास आया, और उसने सुधा को तसल्ली देते हुए कहा, आंटी आप शांत हो जाइए और फिक्र मत कीजिए, मैं सारा मामला संभाल लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि जो भी रिद्धिमा पर कीचड़ उछालेगा उन सबको मैं हैंडल कर लूंगा। सुधा, मिहिर और सुहास तीनों ही हैरान होकर रिशित को देखने लगे। रिद्धिमा कंफ्यूज थी कि रिशित इतना सब कुछ उसके लिए क्यों कर रहा था। रिशित ने सबके चेहरे पर हैरानी देख सुधा से फिर से एक बार कहा, आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर रिशित सुहास की तरफ देखते हुए बोला, अंकल आप परेशान मत होइए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। रिशित में आया ये बदलाव देख सब इतने शॉक में थे कि कुछ पल के लिए कोई कुछ कह ही नहीं पाया। फिर मिहिर सुधा को बेडरूम में ले गया ताकि वो आराम कर सके। निशान को ऐसे सहमा सा खड़ा देख सुहास उसे अपने साथ ले गया। रिद्धिमा और रिशित दोनों ही चुपचाप बैठे थे। थोड़ी देर बाद सुहास और निशांत लिविंग रूम में वापस आए तो सुहास ने निशांत को खाना खिला दिया था। तभी रिशित का फोन बजने लगा और अरुण ने उसे और रिद्धिमा को फौरन घर बुलाया था। फिर रिशित और रिद्धिमा निशांत के साथ अरुणा मेंशन पहुंच गए, और वहां पर सोनिया और उसकी माँ भी आ चुकी थी। रिशित को देखते ही सोनिया ने उसके गले लगते हुए कहा, बीबी देखो ना ये लड़की कितनी घटिया है, अब तो तुम्हें इसे तलाक दे ही देना चाहिए। रिशित ने धीरे से सोनिया को खुद से दूर किया और वहां पर मौजूद सभी लोगों को घूरते हुए वार्निंग देते हुए बोला, मिहिर और रिद्धिमा दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो भी न्यूज में लिखा है वो सब झूठ है, दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, और अब अगर किसी ने भी रिद्धिमा पर उंगली उठाई या उसके और मिहिर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा,
इतना कहकर रिशित ने निशांत को अपनी बाहों में उठा लिया और दूसरे हाथ से रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। ये सुनकर अरुण ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो जानता था कि अगर रिशित ऐसा कह रहा था मतलब सच में रिद्धिमा और मिहिर बस दोस्त होंगे। लेकिन देवयानी, सूरज, सोनिया और उसकी माँ निर्मला दंग रह गए थे ये सोचकर कि उनका पासा उल्टा कैसे पड़ गया। आखिर कैसे रिशित इस मामले को सुलझाएगा और रिद्धिमा की बदनामी होने से रोकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में।